इंडिया वाले चाहे राजनीति हो या चाहे स्पोर्ट्स हो, तो हम किसी भी जगह पे पीछे रह ही नहीं सकते। यानी कि हम सिर्फ विक्ट्री विक्ट्री और विक्ट्री के ही हम मोहताज है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ हमारे इंडियंस हॉकी टीम की, जिन्होंने अभी अभी ओलंपिक 2024 पेरिस में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वही टीम अभी एशियंस चैंपियंस ट्रॉफी में टॉप पोजीशन पे, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जिसमें हॉकी को खेला जाता है, और वो अभी अभी चल रही है। यानी कि 8 सितंबर से 17 सितंबर तक चलने वाला है, और 16 को उसका सेमीफाइनल है और 17 को उसका फाइनल है। और सेमीफाइनल में वही टीम पार्टिसिपेट करेगी जो टॉप 4 की पोजीशन में होगी, और इंडिया अभी टॉप फर्स्ट की पोजीशन पे है। यानी कि एशिया में 6 कंट्री के बीच में ये सारे टूर्नामेंट्स खेले जा रहे हैं। मैं बता देता हूँ उसके नाम, इंडिया, पाकिस्तान, कोरिया, चाइना, मलेशिया एंड जापान। यानी कि ये सारी टीमें एशिया के अंदर आती है, और एशिया में ये चैंपियंस ट्रॉफी खेली जा रही है। और ये कौन से देश में खेली जा रही है भाई? हमारे सब देश के दुश्मन यानी कि चाइना में। और होपफुली हमारे इंडिया के इतने बुरे भी हालात नहीं है कि हम उधर जाके नहीं खेल सकते, जैसे कि हम पाकिस्तान में नहीं जा सकते या पाकिस्तान वाले हमारे देश में आने से घबराते हैं। वैसे ही हम अभी अभी चाइना में खेल रहे हैं, और हमारी लीडिंग पोजीशन वाकई बहुत बढ़िया है। और ये हिसाब से लगता है कि हम जैसे ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीते, इस बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत जाएंगे। और जीतने की तो हमारी आदत है भाई, इंडियन की आदत है कि हम किसी भी जगह पे जाते हैं तो जीते बिना आते ही नहीं। और इसका रिकॉर्ड देखोगे तो डिफेंडिंग चैंपियन भी इस टूर्नामेंट की इंडिया ही रही है। यानी कि इंडिया का कितना दबदबा है एशिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर, वो आप इसी बात से जान सकते हो। तो मैंने सोचा कि ये सारी लीग्स को स्टार्ट करते हुए मैंने सोचा कि इसके दौरान भी आपको कुछ बता दिया जाए। यानी कि क्रिकेट और सिर्फ ओलंपिक को हम फॉलो नहीं करते, हम सारे स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं, और आपको सारी डिटेल्स और सारी बातें हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि आप भी हमारे एक परिवार का हिस्सा हो। तो मुझे लगा कि ये वीडियो तो आप तक पहुँचाना ज़रूरी है, क्योंकि आखिर हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है भाई, तो इससे हमें क्यों पीछे रहना चाहिए, ये तो हमारे खून में होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ये तो बताना ज़रूरी है। तो आई होप सो कि आपको वीडियो देखने में मज़ा आया हो। तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। टिल देन सी यू, बाय बाय।